27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब लाडली बहनों को और का तोहफा देवे वाले हैं, इसको लेके लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। काय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में ऐलान करे कि 27 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन पहले वे मध्य प्रदेश की महिलाओं से फिर संवाद करें और उन्हें करें कोनो बड़ो ऐलान उपहार के रूप में। इस बार ये तारीख नोट कर लेना, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है, इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले, तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाओ। हमको अब संगठित होना चाहिए, बहनों को इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना सेना। जरा लाडली बहना सेना में कौन कौन बहने हाथ ऊपर उठाओ, लाडली बहना सेना हाथ ऊपर उठाओ। ये मेरी लाडली बहना सेना है, ये बहने बहनों के कल्याण की सब योजना जमीन पे लागू करवाएगी। अब हाथ नीचे कर लो, लाडली लक्ष्मी हो, बेटी की शादी कराना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों पे कहीं अन्याय अत्याचार हो, उसके खिलाफ ये बहनें लड़ेंगी और भाई इनके साथ रहेगा। ये लाडली बहना सेना ऐसे ही नहीं है, इसको अधिकार देकर सेना बनाया है मेरी बहनों। तो बताओ लाडली बहना सेना में काम करोगी? सब बहने एक हो जाए। देखो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कानून बना मध्य प्रदेश में, दारू की दुकान के पास शराब के जितने अहाते थे वो बंद करने का काम किया। केवल 3,000 रुपया नहीं, शिवराज का संकल्प सुन लो, मेरा लक्ष्य हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया। आजीविका मिशन में कौन कौन बहने जरा हाथ उठाओ, समूह की बहने देखो, ये मेरी समूह की बहने, कई काम इन समूह की बहनों को दे रहे हैं और इनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो गरीब नहीं रहेंगे, बदहाली में नहीं जिएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। लाडली बहना की तीसरी किस्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी कर दी है और लगातार 3 महीना से प्रदेश में 1,000 रुपया मिल रहे हैं महिलाओं को। अब महिलाओं को ये बात को इंतजार है कि शिवराज भैया अब की बेर का करैया हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।